नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और सुपर टेक्निकल अशोक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि प्ले स्टोर में जो प्रॉब्लम आती है वेटिंग फॉर डाउनलोड की। जैसे ही हम दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होता है और वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है वेटिंग फॉर डाउनलोड। तो इस प्रॉब्लम का दोस्तों 100% सॉल्यूशन इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को आप दोस्तों एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे नए टेक्निकल वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। और घंटी का बटन भी दबा दें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, प्ले स्टोर में आने वाली वेटिंग फॉर डाउनलोड की प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए हमारे को सबसे पहले दोस्तों अपने फोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों हमारे को जो है इधर 3 लाइन मिलते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है और सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस, तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपके सामने दोस्तों और वाईफाई ऑनली या फिर आस्क मी एवरी टाइम ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट जो मिलेगा, तो आपको और एनी नेटवर्क इस पर सेलेक्ट कर देना है। इस पर सेलेक्ट करने के बाद में आपको डन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद दोस्तों आपको इस पेज को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, तो इधर हमारे को एक और ऑप्शन मिलता है क्लियर लोकल सर्च हिस्टोरी, तो आपको इस पर क्लिक करके एक बार क्लिक कर देना तो लोकल सर्च हिस्टोरी होगी वो डिलीट हो जाएगी, इससे वो रिप्लेस हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको जो है इधर एक बार चेक कर लेना है कि प्ले स्टोर का वर्जन है जो अप टू डेट है या नहीं। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देख लीजिए गूगल प्ले स्टोर इज अप टू डेट, मतलब कि ये अपडेट किया हुआ प्ले स्टोर है। तो इतना करने के बाद में दोस्तों हो सकता है एप्लीकेशन जो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है वेटिंग फॉर डाउनलोड की। तो आपको दोस्तों क्या करना है कि अपने मोबाइल में सेटिंग के एप्लीकेशन को ओपन करना है और इधर में आपको दोस्तों एक ऐप का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो ऐप के ऑप्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो आपके मोबाइल के सारे एप्लीकेशन आपको इधर देखने को मिलेंगे। तो आपको इधर दोस्तों गूगल प्ले स्टोर को सर्च करना है, चेक करना है इधर। तो मैं इधर जो गूगल प्ले स्टोर को चेक कर लिया ये देख लीजिए, और ऊपर हमारे को गूगल प्ले सर्विस का भी ऑप्शन मिलता है। तो आपको दोस्तों तीनों का जो क्लियर केस कर देना है, तो जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया गूगल प्ले सर्विसेज और फिर हमारे को स्टोरेज पर क्लिक करना है और फिर आपको क्लियर कैसे पर क्लिक करना है, तो क्लियर कैसे हो जाएगा। और ऐसे ही आपको दोस्तों दूसरा है जो ये गूगल प्ले सर्विसेज फॉर इंस्टेंट ऐप, इस पर ही आपको क्लिक करना है और स्टोरेज पर क्लिक करके क्लियर कैसे कर देना है। और उसके बाद में आपको वापस बैक ले लेना है और गूगल प्ले स्टोर है इस पर आपको स्टोरेज पर क्लिक करके क्लियर ऐसे ऐसे कर देना है। और इसमें एक आपको एक और सेटिंग करनी है, आपको दोस्तों क्या करना है कि इसमें आपको एक बार डिसेबल पर क्लिक करना है और फिर डिसेबल ऐप पर क्लिक करना है, तो आपके सामने ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, तो आपको इधर एक बार कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद में अनेबल का ऑप्शन आएगा, तो आपको वापस अनेबल पर क्लिक करना है। जैसे आप अनेबल करेंगे तो वापस दोबारा शुरू हो जाएगा प्ले स्टोर। और अब आप दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पर इतना सा सेटिंग करने के बाद में आप दोस्तों वापस गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और फिर आप प्ले स्टोर में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो तुरंत ही डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।